अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर युवाओं को तैयार करने की बात की। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम में पहुंच के युवाओं में जोश भरने का काम किया और 2022 की तैयारियों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को लगने की बात की गई। महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम में कहीं ना कहीं पूरा जो कार्यक्रम था वो युवाओं को एक करने की कवायद में था। यही कारण है कि इस कारण के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां पर तालिबान से लेकर के उत्तर प्रदेश के माहौल में योगी आदित्यनाथ सरकार में किस तरीके का काम हो रहा है, इन सब की बात करी। बात करते हुए साफ तौर पर ये कहा गया कि अगर यूपी में सांस्कृतिक सौहार्द और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए के रखा नहीं गया तो यहाँ के हालात भी अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में युवाओं, खासतौर पर युवा कार्यकर्ताओं को सरकार के कामों को लेकर के जनता के पास पहुंचने की बात की गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में मौजूद थे। उन्होंने सरकार की तमाम जितनी भी योजनाएं हैं और जो भी काम है उनको गिनाया। कोरोना के नियंत्रण से लेकर के सरकार ने किस तरीके से लगातार काम किया है, इस बात की भी तस्दी उन्होंने इस कार्यक्रम में की। दरअसल बीजेपी की युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और यहाँ पर कवायद थी कि 2022 के चुनाव की मद्देनजर युवाओं में जोश भरने का काम किया जाए और साथ ही साथ एक रणनीति के तहत खाका खींचा जाए कि कैसे 2022 के चुनाव में बीजेपी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके साथ ही साथ विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर तल्ख तेवर अपनाए और सपा और बसपा के राज में यूपी में हुए जिस तरीके की शासन को वो कुशासन कहते हैं उसकी बात कही। ये बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में और भी सुगबहार मचेगी, लेकिन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम में शिरकत की, अपने बयानों की बात कही और उत्तर प्रदेश में उपेक्षा की बात कही, उसके साथ में कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के लिए युवाओं में जोश भरने का काम भी किया गया। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं यूपी किसका। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम, चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी, भैया ये यूपी है यहां सबई है ज्ञानी, तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।